सांझ सवेरा रात दिन आंधी बारिश धूप इंद्रधनुष के सात रंग उसी के सौ सौ रूप धरती और आकाश उसी के उसी का सब में वास कलश मिनारे उसी नाम के उसी के सब स्तूप उसी के सब स्तूप। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विश्व रंग 2022 के शानदार मंच पर आयोजित दो आब रचना पाठ की महफिल के सदर मोहतरम और इस हिंदी उर्दू कविता पाठ में शिरकत कर रहे मंच पर मौजूद सभी रचनाकार दुनिया के विभिन्न देशों और देश के कई शहरों से अलग अलग विधाओं के माहिरीन और विश्व रंग का बेसब्री से इंतज़ार करते भोपाल के साहित्य और कला प्रेमियों का मैं इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ इस तरह के हमने मोहब्बतों की ये महफिल सजाई है, रस्ते में आपके लिए चाहत बिछाई है। अभी और है भाई, हमने मोहब्बतों की ये महफिल सजाई है, रास्ते में आपके लिए चाहत बिछाई है, जज्बों को खुशबुओं में भिगोया गया है, आज तशरीफ ला के आपने इज्जत बढ़ाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूंगा कि अंतिम कवि और अंतिम रचनाकार अंतिम शायर तक यही स्पिरिट हमारी बनी रहे, सर्दी का असर हम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये चौथा विश्व रंग है, पहला विश्व रंग 2019 में आयोजित हुआ था, उसके बाद जो हालात हम पर आए वो हम सब जानते हैं। सारी दुनिया बंद हो गई लेकिन विश्व रंग जारी रहा, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इस आयोजन के लिए मैं सभी फनकारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, विश्व रंग के निदेशक आईसेक्ट और आईसेक्ट पब्लिकेशन और वनमाली सृजन पीठ के सरपरस्त और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी समेत 5 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कवि रचनाकार वैज्ञानिक और संस्कृति पुरुष आदरणीय संतोष चौबे जी का, भाई सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी का और हमारी बहन अदिति चतुर्वेदी जी का और उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम और पूरे स्टाफ का, कि उन सब के सहयोग से ये भव्यतम आयोजन संभव हो पाता है। क्योंकि विश्व रंग के साथ जब इसकी छटा बिखरना शुरू होती है तो मैं देखता हूँ कि संतोष चौबे जी के साथ साथ आदरणीय श्री मुकेश वर्मा जी, श्री बलराम गुमाश्ता जी, श्री लीलाधर मंडलोई जी, श्री विनय उपाध्याय वगैरह कोई भी हो, सब में दुई का जज्बा खत्म हो जाता है और सब में एकम संतोष की भावना पैदा हो जाती है, सब उसी भावना से उत्प्रोत हो जाते हैं और सब के सब संतोष चौबे बनकर काम करते हैं जी। और फलक पर सिर्फ एक नाम जगमगाता है, विश्व रंग विश्व रंग विश्व रंग। इसीलिए आदरणीय चौबे जी के लिए अगर कहूं के तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहते रहना एक बहाना होता है, सागर को दरिया तक जाना होता है, बहते रहना एक बहाना होता है, सागर को दरिया तक जाना होता है, जिसके पीछे दुनिया चलने लगती है, लाखों में वो एक दीवाना होता है, लाखों में वो एक दीवाना होता है। दोस्तों आज के इस दुआब कविता पाठ में जो साथी शिरकत कर रहे हैं, वैसे तो आपका उनसे तारुफ हो चुका है और शायद मैं उससे अच्छा तारुफ उनका आपसे नहीं करा सकूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं एक बार उन सब से आपका तारुफ ज़रूर कराऊं। आज के इस दुआब कविता पाठ और गज़ल पाठ की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम शीन काफ निज़ाम साहब, मैं चाहूँगा उनके एजाज़ में एक बार ज़ोरदार तालियाँ हों। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चंद्रभान ख्याल, जनाब नौमान शौक, श्री माहेश्वर तिवारी जी, श्री यश मालवीय जी, श्री बल्ली सिंह चीमा जी, डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा, जनाब राजेश रेड्डी साहब, जनाब रहमान मुसव्विर साहब, जनाब अजहर इकबाल साहब, श्री ओम निश्चल जी, श्री आलोक श्रीवास्तव जी और श्री ऋषि श्रृंगारी के साथ आपका दोस्त बद्रवास्ती। दोस्तों आज का विश्व रंग का ये मंच बहुत अहमियत का मंच है, बहुत समृद्ध मंच है, बहुत महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि आज दो आप कविता पाठ है। मेरे जो नौजवान साथी इस दो आप का मतलब नहीं समझ पा रहे, अभय ने थोड़ा सा समझाया, थोड़ा मैं समझाता हूं। दो आप का मतलब है दो, वन प्लस वन, ये वो वन प्लस वन नहीं है एक के साथ एक फ्री जो आजकल चल रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि वन प्लस वन मतलब दो, आप यानी पानी। तो दो आब, दो पानियों का ये दो धाराओं का संगम है दो आब, एक धारा हिंदी की है, एक धारा उर्दू की है।
दोनों भाषाएं हमारी अपनी हैं, दोनों का जन्म भारत में हुआ है और इसीलिए कहा गया कि उर्दू हिंदी एक जबान जिनसे महके हिंदुस्तान। जी दरअसल दोनों भाषाओं का मूल या बुनियाद खड़ी बोली है और दोनों भाषाओं का प्रस्थान बिंदु अमीर खुसरो हैं जिन्होंने गज़लें भी लिखी और गीत भी लिखे, तो आज यहाँ गीत और गज़लें भी सुनाई जाएंगी। ये महफिल उर्दू और हिंदी की महफिल है, आप सबका ध्यान चाहूँगा, ये महफिल उर्दू और हिंदी की महफिल है। उर्दू और हिंदी को देखा जाए तो एक आवाज़ दोनों में एक जैसी है, वो आवाज़ है, वो अक्षर ख़त्म हो जाता है, आवाज़ रह जाती है, वो है द, जिसकी पुकार को सुनने समझने और ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, दा से दुनिया है, दा से देश है, दा से दिल है तो दिमाग भी है, दा से दवा है, दा से दुआ है, दा से दुश्मन है, दा से दोस्त है, दा से दीवार है, दा से दर्पण है, दा से दूरी है और दा से दर्शन भी है, दा से दास्तान भी है, दा से दर्द भी है, दा से दया भी है, दा से दीवानगी भी है। और अगर आपने इस पूरी चीज को दयानतदारी से अपना लिया तो हम यकीनन कामयाब होंगे, क्योंकि दा से दीपक भी है, दा से दिशा भी है, यहां से हमको एक नई दिशा भी मिलती है। और दोस्तों दमादम मस्त कलंदर भी है और छाप तिलक भी है, तो जब ये सब एक है तो इसके बावजूद हम दो क्यों हैं? दरअसल हिंदी और उर्दू हिंदुस्तान की दो आंखें हैं और अगर उनमें से एक भी होती तो काम चल जाता, लेकिन साहब खूबसूरती कहां से आती, संपूर्णता कहां से आती? खूबसूरती तो दो से ही आती है, बस यही दो आपका उद्देश्य है, दो आपका मकसद, और इसी पैगाम को समझने की जरूरत है कि अगर समझोगे तो ठीक है, वो नहीं समझोगे तो कहते रहोगे कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दे। लेकिन वहीं उसका सॉल्यूशन भी दिया गया कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इस पांव के कांटे को हम ही को निकालना है जो बहुत गहरा बैठ चुका है। दोस्तों बातें तो बहुत होती रहेंगी, हम शब्द बहुत खर्च कर चुके, लेकिन अब हमको जज्बों से जज्बों का सफर तय करना है। आज की यह महफिल गंगा जमनी महफिल है, इसीलिए कहा गया कि तेरा भी जरूरी है, मेरा भी जरूरी है, आंखों में हमारी एक सपना भी जरूरी है, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, गंगा भी जरूरी है, जमुना भी जरूरी है। दोस्तों हम जिस हिंदुस्तान का सपना देखते हैं वो हिंदुस्तान क्या है मैं आपको बताऊं, और उसके बाद हम अपना कविता पाठ और रचना पाठ शुरू करेंगे कि लखन को दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं, लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं, ये हिंदुस्तान है हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, ये हिंदुस्तान है हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, यहाँ बेटी को रुखसत करने सारा गाँव आता है, मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी खूबसूरत और हौसलामंद समातों और तालियों के बीच एक ऐसे रचनाकार को मैं सबसे पहले आवाज़ दे रहा हूं जिसको सुनने के साथ साथ पढ़ते हुए देखना कि अभी एक अपना अलग आनंद होता है, एक ऐसा ऋषि जो श्रृंगारी है लेकिन उसका श्रृंगार सात्विक है, साहित्यिक है और सनातन भी है, वो हैं भोपाल की नुमाइंदगी करने वाले आदरणीय श्री ऋषि श्रृंगारी जी। वो कहते हैं कि लिखे कुछ गीत मैंने भी कभी जब गुनगुनाता हूँ, लिखे कुछ गीत मैंने भी कभी जब गुनगुनाता हूँ, कबीरा सूर तुलसी जायसी को घर बुलाता हूँ, अंधेरा और गहराने लगे मन की हवेली में, तभी कुछ शेर गालिब के कहीं सुनता सुनाता हूँ। स्वागत कीजिए आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी का, बहुत शुक्रिया आपका। आइए ऋषि। विश्व रंग के इस आयोजन में आए हुए आप सब लोग सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मंच पर बहुत शायर हैं, मैं एक गीतकार हूँ। गीत की बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो मित्रों, गीत ना तो सुना जाता है, ना लिखा जाता है, ना पढ़ा जाता है, गीत तो सिर्फ जिया जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि गीत को जी लें, मेरे साथ चलें समुंदर की उन गहराइयों में जहाँ एक शंख सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे उठा लें और उसमें एक फूंक दें, बस वहीं से जो स्वर उत्पन्न होगा वह नाद है, वही ब्रह्म नाद है, वही शब्द है, वही ब्रह्म है। आओ चलें बाहर में कुछ गुनगुनाएं हम, आओ चलें बाहर में कुछ गुनगुनाएं हम, कुछ आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएं हम,
कुछ आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाए हम, और बातों का सिलसिला ये उस मुकाम तक चले, और गीतों का सिलसिला ये उस मुकाम तक चले, जहाँ अपने अपने घर का पता भूल जाऊं, जहाँ अपने अपने घर का पता भूल जाऊं। एक चार पंक्तियां और सुन लीजिए। वो कौन था जो शाख हिला कर चला गया, वो कौन था जो शाख हिला कर चला गया, और मासूम परिंदों को रुला कर चला गया, वो कौन था जो शाख हिला कर चला गया, और मासूम परिंदों को रुला कर चला गया, और यादों के खंडहरों की जमी को कुरेद कर, और यादों के खंडहरों की जमी को कुरेद कर, बुझते हुए चिराग जला कर चला गया, बुझते हुए चिराग जला कर चला। दोस्तों एक चार पंक्तियां और पढ़ देता हूं कि बहुत अजीज शायर यहां बैठे हुए हैं, मैं अपने गीतों को एक दो छोटे छोटे गीत पढ़ूंगा, एक चार पंक्तियां सुना देता हूं, उसके बाद दो गीत। हर रोज प्यार का दिया हम बारते रहे, हर रोज प्यार का दिया हम बारते रहे, और पलकों से सूनी राह को बुहारते रहे, हर रोज प्यार का दिया हम बारते रहे, और पलकों से सूनी राह को बुहारते रहे, और आँखों में नींद आ न जाए बस इसीलिए, और आँखों में नींद आ न जाए बस इसीलिए, हम भोर तलक चांद को निहारते, हम भोर तलक चांद को निहारते। मैं समझता हूं कि अब एक गीत पढ़ देना चाहिए। आप लोग गीत के जमीन पर आ गए हैं इसलिए अब एक गीत पढ़ देता हूं। एक गीत। बात है जो अन कही सी, सुनिए जरा, कहीं बात अच्छी लगे तो बता दीजिए मुझे। बात है जो अन कही सी, तुम कहो तो बोल दूं, बात है जो अन कही सी, तुम कहो तो बोल दूं, मात्र ढाई आकरों का बोलिए क्या मोल दूं, बात है जो अन कही सी, तुम कहो तो बोल दूं, मात्र ढाई आकरों का बोलिए क्या मोल दूं, बात है जो अन कही सी। आलोक ये बंद देखें। क्यों उतर छत पर अकेली चांदनी घबरा रही,
क्यों उतर छत पर अकेली चांदनी घबरा रही, और रात्रि के अंतिम पहर तक पीर अपनी गा रही। और खिड़कियां सहमी हुई हैं, खिड़कियां सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं। खिड़कियां सहमी हुई हैं, तुम कहो तो खोल दूं। मात्र ढाई आखरों का बोलिए क्या मोल दूं, बात है जो अनकही सी। भद्र भाई ये बंदे हैं, कोशिशों के नाम तपती धूप का सहरा मिला, कोशिशों के नाम तपती धूप का सहरा मिला, भटकती फिरती निगोड़ी प्यास को पैरा मिला। आंजुरी भर कर समूचे सागरों को तोल दूं, आंजुरी भर कर समूचे सागरों को तोल दूं। मांगवात है जुवन, गीत का अंतिम चरण देगा। कामना पूजित हुई तो, यहां कामना की पूर्णता की बात नहीं, कामना की पूजा की बात कर दूं। कामना पूजित हुई तो मोगरे झरने लगे, कामना पूजित हुई तो मोगरे झरने लगे, बंद पलकों के सपन भी साथिये धरने लगे। और तुम कहो मदिरा छलकती, तुम कहो मदिरा छलकती, मधु कलश में घोल दूं। तुम कहो मदिरा छलकती, मधु कलश में घोल दूं। मात्र ढाई आखरों का बोलिए क्या मोल दूं, बात है जो कही सी, तुम कहो तो बोल दूं। बहुत शुक्रिया ऋषि श्रृंगारी साहब। मैं बिना देरी किए हुए, क्यों दोस्तों, ये गीत और गज़ल की शाम है, दोनों विधाओं की अपनी एक अलग पहचान है, अलग स्वरूप है, इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि गज़ल में इशारों में बात होती है। एक बहुत बड़े सागर को अगर कटोरी में समेट दिया जाए तो गज़ल हो जाती है, और जिस सागर को समेटा जाता है वो गीत होता है, तो इतना सा फ़र्क आप समझ लीजिए। लेकिन अब मैं गज़ल के एक ऐसे शायर को यहाँ पर आपके बीच आवाज़ दे रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और लगातार भोपाल के इस मंच पर वो आते रहते हैं। मेरी मुराद है जनाब राजेश रेड्डी साहब से, जिनका शेर अभी आपने सुना था। मैं तो आवाज़ देता हूँ कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। स्वागत कीजिए राजेश रेड्डी साहब का। शुक्रिया। सबसे पहले तो विश्व रंग को बधाई, संतोष जी चौबीस जी को धन्यवाद, मंडोई जी को धन्यवाद, इसके साथ मुझे जोड़े रखने के लिए बाकी सभी मित्रों को, अनुसर साहिबा। भोपाल एक अलग ही तरह का सुख देता है सुनाने का, और आज जो नई जनरेशन नई पीढ़ी सामने है और जिस जोश में है, अच्छा लग रहा है। मैं आपसे सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा और साथ चाहूँगा, थोड़ी सी अपने मन के साथ सुने, आप ही की बात है। पहले आप ही के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ, किसी ने फरमाइश भी की थी, ख़ास तौर से जो आप यंग जनरेशन है उनके लिए, उस उम्र का ही शेर है ये,
एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। और इसी मूड का एक शेर, इसी जनरेशन का शेर, मंच पे सभी लोग हैं, हम में से कुछ लोग शरीफ भी हैं तो जो शरीफ लोगों के साथ होता है उसका एक बयान, और आपकी उम्र में जो होता है वो बयान देखें। शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा, शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा, रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। शराफत ने मुझको कहीं का ना छोड़ा, रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। और एक आपकी उम्र का एक और शेर, रंग थोड़ा इसमें है कि दूसरा साहिब आपके लिए खास समझ। फूल के होठों से, फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। और अब मैं जो अपना मूल रंग है वो शेर, जिसको मेरे छोटे भाई ने पढ़ा भी था, और उससे एक सिलसिला शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर गजल पेश करूँगा। हमने आज़ादी के ये जो उत्सव मना रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आम हिंदुस्तानी का जो सच है, मैं हर मुशायरे में ये शेर ज़रूर पढ़ता हूँ ताकि याद है कि उत्सव अपनी जगह, लेकिन एक जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं उनका भी स्मरण रहे, इसलिए शेर पढ़ता हूँ। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और एक एकदम ताज़ा शेर है निजाम साहब, और कल भी ख़ास तौर से सुनो, एक अलग रंग का शेर हुआ है निजाम भाई, सब देखें। एक जवां पेड़ जल रहा है कहीं, जवां पेड़, एक जवां पेड़ जल रहा है कहीं, एक हरा सा धुआं हवा में है। एक जवां पेड़ जल रहा है कहीं, एक हरा सा धुआं हवा में है। और ये कुछ और शेर जो समय की ज़रूरत के मुताबिक हैं, कि ये जो उथल पुथल पूरी दुनिया में तो है ही है, हमारे मुल्क में क्यों है, क्या है, ख़ास तौर से ये देखें। नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। नई लाशें बिछाने के लिए ही गए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और शुक्रिया। और ये एक गजल, समय कम है, ये जोहरा साहिबा के लिए खास तौर से, उनका हुक्म है और उनका एक लगाव बराबर मुझे मिलता रहा है, मैं एक गजल पेश कराऊं तरुण से। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने
कहाँ से हम, क्या बात वाह, अब क्या बताएं टूटे कितने कहाँ से हम, अब क्या बताएं टूटे कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, अब क्या बताएं, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, बहुत खूबसूरत शेर है, वाह, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम, और शेर वाह 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 वाह, एक जो इंसान हमेशा एक असंतुष्टि की हालत में डिससैटिस्फैक्शन में रहता है उसके लिए शेर, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहां, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, नाराज है जमीन से खफा आसमान से हम, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है क्या बात, बहुत शुक्र, क्या कहने रेड्डी साहब, सुभान अल्लाह, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, दराज है जमीन से खफा आसमान से हम, अब क्या बताएं टूटे, और जी गजल का खास शेर है जी इरशाद, नए जो दोस्त हैं साथी हैं, एक लफ्ज आता है शराब, शराब नहीं शराब, उसका मतलब होता है जो रेगिस्तान में पानी जैसा दिखता है होता नहीं, वृतृष्णा कुछ भी आप कहें, है ना, तो अब उसका शेर का अब आरंभ दीजिएगा, मृत तृष्णा की बात है, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, क्या मिस्रा, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे है काम यकीन का गुमा से हम, क्या बात है, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम, भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमास हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, और ये शेर जी शायद अक्सर हम अपराधियों के सिलसिले में पढ़ते हो, लाई डिटेक्टर झूठ पकड़ने वाली मशीन, लेकिन ऊपर वाले ने हर इंसान के शरीर में बॉडी में वो मशीन फिट की हुई है, और हम सब उस मशीन का इस्तेमाल कोई सामने वाला कर सकता है, देखें, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, लेकिन हमारी आँखों में
गौर से सुनिए। लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। वाह 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 वाह। लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। अब क्या बताए टूटे हैं। और ये गजल का शेर नुसरत साहिबा खास तौर से सुने, खास तौर से नई जनरेशन भी सुने। अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से हम, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। वाह 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 वाह। मिलते नहीं है अपनी कहानी, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। वाह वाह क्या कहने। गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से हम। और गजल का आखिरी शेर, इस दौर का शेर जिसमें हम जी रहे हैं, जिस जमाने में हम जी रहे हैं। अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से हम। वाह 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 वाह। और शेर खास, गम बिक रहे थे मेले में, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने जनाबे राजेश रेड्डी साहब। और दोस्तों, राजेश रेड्डी साहब को जिस मकसद से मैंने बुलाया था, खुदा का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब रहा और ये महफिल में एक नया रंग आ गया आपके इस शमूलियत से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप वाह वाह करें तो वो वाकई वाह वाह लगे, आह आह ना लगे मेरे दोस्त। ये बिल्कुल सही बात है। ये विश्व रंग की जो महफिल है, ये अपने आप में सबसे अलग महफिल होती है। आम तौर पर मैं बहुत माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुशायरे और कवि सम्मेलन जो आम तौर पर होते हैं, उसमें जिस तरह की फहरिस्त होती है, उससे थोड़ी सी हमारी कोशिश ये है कि एक अलग हट के इसको एक लिटरेरी रंग, ये विश्व रंग है तो इसलिए दिया जाए। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए अगले रचनाकार की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, गीत और गज़ल दोनों अपनी भाषाओं और अपने इलाकों की लंबी यात्रा तय करके हमारे साथ आए हैं, और ये यात्रा हमें ये बताती है कि दोनों विधाएं बहुत जीवंत विधाएं हैं। अगर पारंपरिक गीत से हम चलते हैं तो नवगीत की तरफ आते हैं, गज़ल की जब बात होती है, क्लासिक अंदाज की जब गज़ल होती है, तो उसके बाद फिर हम आते हैं मॉडर्न गज़ल की तरफ और फिर पोस्ट मॉडर्न गज़ल की तरफ आते हैं। ये एक लंबी बात है, लेकिन फिलहाल मैं एक ऐसे रचनाकार को बुलाने जा रहा हूँ जिनके लिए मैं चार मिसरे पढ़ूंगा और उसके बीच आपकी तालियों के बीच वो माइक पर आएंगे, क्योंकि मेरा जो समय है मैं चाहता हूं कि वो भी रचनाकार को मिले। कहा कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, इधर का कुछ छूटा है शायद। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, मनाऊं एक को जाके तो दूजा रूठ जाता है,
मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान लगती है, अब अगला मिसरा सुनो, उसके बाद आह करना पड़ेगी। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान लगती है, मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर श्री ओम निश्चल जी हमारे बीच पधारें। पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय ओम निश्चल जी, विश्वरंग की आन बान शान को नमन, इस मंच को नमन। कुछ मुक्तकों से बात शुरू करते हैं और बचा के रख लो के बचपन भी बेच डालेगा, बचा के रख लो के बचपन भी बेच डालेगा। दरो दीवार ओ आंगन भी बेच डालेगा, दरो दीवार ओ आंगन भी बेच डालेगा। अगर चली जो उसकी देखना किसी दिन वो, तुम्हारे बाग ओ सावन भी बेच डालेगा, तुम्हारे बाग ओ सावन भी बेच डालेगा। कहाँ से उठता है और फिर कहाँ गरजता है, कहाँ से उठता है और फिर कहाँ गरजता है। जमी का कतरा कतरा बूंद को तरसता है, जिनकी जेबों में समाई है मुफ्त की दौलत, उन्हीं के घर में ये बादल सदा बरसता है, उन्हीं के घर में ये बादल सदा बरसता है। और एक मुक्तक और, उनको बहती हुई नदियां नहीं अच्छी लगती, उनको बहती हुई नदियां नहीं अच्छी लगती, मुस्कराती हुई कलियां नहीं अच्छी लगती। जिनका कुदरत पे कारोबार टिका है यारो, उनको जंगल की ये दुनिया नहीं अच्छी लगती। उनको एक और अंतिम मुक्तक, उसके बाद फिर कुछ गजल। धर्म कर्म के पैरोकार बन के बैठे हैं, धर्म कर्म के पैरोकार बन के बैठे हैं, वो छल फरेब के फनकार बन के बैठे हैं, वो छल फरेब के फनकार बन के बैठे हैं। पूंजीपतियों की बिछाई हुई बिसातों पर, गरीब जनता के सरकार बने बैठे हैं, गरीब जनता की सरकार बने बैठे हैं। और कुछ कुछ गजलें तहत में, उसके बाद एक आध गीत। एक गजल के कुछ शेर, यश जी। मुझमें नादानियां बची हैं अभी, मुझमें नादानियां बची हैं अभी, कुछ तो किलकारियां बची हैं अभी, मुझमें नादानियां बची हैं अभी, कुछ तो किलकारियां बची हैं अभी। फूल होंगे तुम्हारे बंगले में, फूल होंगे तुम्हारे बंगले में, मुझमें भी क्यारियां बची हैं अभी, मुझमें नादानियां बची हैं अभी, कुछ तो किलकारियां बची हैं अभी। ए दरख्तों सुनो न सोना अभी, ए दरख्तों सुनो न सोना अभी, कहते हैं आरियां बची हैं अभी। ए दरख्तों सुनो न सोना अभी, कहते हैं आरियां बची हैं अभी। भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, उसमें तन्हाइयां बची हैं भी, उसमें तन्हाइयां बची हैं अभी। तुम उसकी सादगी पे मत जाना जी। भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन उसमें तन्हाइयां बची हैं अभी। वाह वाह, तुम उसकी सादगी पे मत जाना, तुम उसकी सादगी पे मत जाना, उसमें खुददारियां बची हैं अभी।
क्या बात है, राख राख जनता को मत समझ लेना, राख जनता को मत समझ लेना, उसमें चिंगारियां बची हैं अभी, मुझमें नादानियां बची हैं अभी, कुछ तो किलकारियां बची हैं अभी। और एक गजल के कुछ शेर, खुश्क होठों पे आब रख दो तुम, खुश्क होठों पे आब रख दो तुम, पहले लेकिन किताब रख दो तुम, खुश्क होठों पे आब रख दो तुम, पहले लेकिन किताब रख दो तुम, लेकिन किताब रख दो तुम, मेरी बाहों के नर्म तकिए में, मेरी बाहों के नर्म तकिए में अपने सारे गुलाब रख दो तुम, मेरी बाहों के नर्म तकिए में अपने सारे गुलाब रख दो तुम, नींद में मेरी तुम चले आओ, नींद में मेरी तुम चले आओ, मेरे सिरहाने ख्वाब रख दो तुम, नींद में मेरी तुम चले आओ, मेरे सिरहाने ख्वाब रख दो तुम, खुश्क होठों पे आब रख दो तुम, पहले लेकिन किताब रख दो तुम, प्यार में गिनतियां नहीं होती, प्यार में गिनतियां नहीं होती, अब ये सारा हिसाब रख दो तुम, प्यार में गिनतियां नहीं होती, अब ये सारा हिसाब रख दो तुम, गली में इश्क की अंधेरा है, गली में इश्क की अंधेरा है, चुपके से आफताब रख दो तुम, चुपके से आफताब रख दो तुम, जिंदगी जैसे एक जन्नत है, कदमों में एक चनाब रख दो तुम, जिंदगी जैसे एक जन्नत है, कदमों में एक चनाब रख दो तुम, खुश्क होठों पे आब रख दो तुम, पहले लेकिन किताब रख दो तुम। बहुत बहुत खूब। और एक कुछ शेर और, चांद को बदलियों ने देख लिया, चांद को बदलियों ने देख लिया, फूल को तितलियों ने देख लिया, चांद को बदलियों ने देख लिया, फूल को तितलियों ने देख लिया, लाख छुपता रहा मगर उसको पुलिस की वर्दियों ने देख लिया, लाख छुपता रहा मगर उसको पुलिस की वर्दियों ने देख लिया, चांद को बदलियों ने देख लिया, फूल को तितलियों ने देख लिया, लाख छुपता रहा मगर उसको आज फिर कनखियों ने देख लिया, आज फिर कनखियों ने देख लिया, पहली ही वारदात थी उसकी, पहली ही वारदात थी उसकी, पुलिस की वर्दियों ने देख लिया, क्या बात, पहली ही वारदात थी उसकी, पुलिस की वर्दियों ने देख लिया, उसने छुपने की लाख कोशिश की, उसने छुपने की लाख कोशिश की, उसको नाकामियों ने देख लिया, वाह वाह वाह, छुपने की लाख कोशिश की, उसको नाकामियों ने देख लिया, कौन कितने यहां पानी में है, कौन कितने यहां पानी में है, ताल की मछलियों ने देख लिया, कौन अच्छा कितने यहां पानी में है, ताल की मछलियों ने देख लिया, चांद को बदलियों ने देख लिया, प्यार को लाख छुपाया दिल में, प्यार को लाख छुपाया दिल में, दिल की बेताबियों ने देख लिया, बहुत अच्छा, प्यार को लाख छुपाया दिल में, दिल की बेताबियों ने देख लिया, उसकी आंखों में कैसा मंजर है, उसकी आंखों में कैसा मंजर है, आंख की पुतलियों ने देख लिया, वाह, आंख की पुतलियों ने देख लिया, कौन किसको यहां नचाता है, कौन कौन किसको यहां नचाता है, आज फिर कठपुतलियों ने देख लिया, आज कठपुतलियों ने देख लिया, ताल को लाख छुपता रहा मगर उसको आज फिर कनखियों ने देख लिया। और एक गजल को कुछ शेर और फिर एक गीत बेहतरी से, हां उसके जीवन की डायरी पढ़कर, उसके जीवन की डायरी पढ़कर अश्क बहने लगे नदी बनकर, उसके जीवन की डायरी पढ़कर अश्क बहने लगे नदी बनकर, खूबसूरत सा एक धोखा है देख ली दुनिया बावरी बनकर, खूबसूरत सा एक धोखा है देख ली दुनिया बावरी बनकर, उसके जीवन की डायरी पढ़कर अश्क बहने लगे नदी बनकर, मैं सजा याफ्ता हुई जैसे, मैं सजा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर, मैं सजा याफ्ता हुई उसकी, मैं सजा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर, मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, मन
जी, मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, खुश रही व्यर्थ में हुई सामरी बनकर, रहा साई न साहबी भाषा, खुश रही देवनागरी बनकर, खुश रही देवनागरी बनकर, जीने लायक ही नहीं थी दुनिया, जीने लायक ही नहीं थी दुनिया, कैसे जीती मैं कचहरी बनकर, कैसे जीती मैं कचहरी बनकर, उसके जीवन की डायरी पढ़कर। तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि अपनी एक एक सेलेक्टेड रचना, एक रचना चुनिंदा यहाँ पर पढ़े माइक पर, और अब मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, आपकी तालियों के बीच में श्री आलोक श्रीवास्तव को माइक पर बुला रहा हूं, तशरीफ लाएं। सर इजाजत है, राजेश भाई आपसे खास तौर से इजाजत, आपके बात पढ़ने की गुस्ताखी कर रहा हूं। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं हम। अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी, सूखे हुए गुलाब में रखे हुए हैं, सूखे हुए गुलाब में रखे हुए हैं हम। और इस जिंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, इस जिंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, मासूम से जवाब में रखे हुए हैं हम। ये दुआब का कवि सम्मेलन मुशायरा है, एक मतला एक शेर उस अजीम शख्सियत की नज़र जिन्होंने दुआब का आगाज़ किया था, हज़रत अमीर खुसरो, के सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें धड़कती छतियां। और मैं कैसे मानूं, गजल का आखिरी शेर और आपसे इजाजत, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पीको आते। आपको उठने की जरूरत नहीं है, मैं टीवी का आदमी हूं, मुझे वक्त की पाबंदी का एहसास है जी। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पीको आते, नकाग बोले
मैं कैसे मानूं बरसते नैनो कि तुमने देखा है पी को आते, न काग बोले न मोर नाचे, न कू की कोयल न चटकी कलियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। बहुत हमारे साथ एक बहुत अलग तरह के कवि और रचनाकार जुड़े हैं जिनका नाम है बल्ली सिंह चीमा जी, जो सच्चे कवि है और वक्त पड़ने पर अपनी कविताओं के साथ वो किसानों और मजदूरों के साथ सड़क पर उतर आते हैं। तो ऐसे सच्चे कवि को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, श्री बल्ली सिंह चीमा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों। दोस्तों, जो परिचय मेरा दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि आज मैं विषव रंग के रंग में, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड के रंग को शामिल करूँ। तो एक गज़ल के कुछ शेर, दो तीन शेर पढ़ूंगा, उसके बाद एक नज़म पढ़ना चाहूँगा उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में और बिना मतले के एक दो शेर अर्ज करता हूँ। वो तो आदेश पे आदेश दिए जाता है, वो तो आदेश पे आदेश दिए जाता है, सिर्फ मेरा नहीं दुनिया का खुदा हो जैसे, सिर्फ मेरा नहीं दुनिया का खुदा हो जैसे, तुम मिले हो तो ये दर दर पे भटकना छूटा, एक बेकार को कुछ काम मिला हो जैसे, तुम मिले हो तो ये दर दर पे भटकना छूटा, एक बेकार को कुछ काम मिला हो जैसे, जिंदगी छोड़ के जाएगी न जीने देगी, जिंदगी छोड़ के जाएगी न जीने देगी, मैंने इसका कोई नुकसान किया हो जैसे, मेरे कानों में बजी प्यार भरी धुन बली, उसने हौले से मेरा नाम लिया हो जैसे। तो दोस्तों, एक नज़म में उत्तराखंड की सुंदरता पे। मैं अपने सभी रचनाकार साथियों से बहुत माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि यह हमारी मजबूरी है और इसमें आप हमारा साथ दीजिए। यहां पर जो भी रचनाकार आए वो अपनी एक रचना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, और तरन्नुम से न पढ़ें तो शायद अच्छा होगा। मैं बिना किसी भूमिका के श्री रहमान मुसव्विर को बुला रहा हूं, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंदी के प्रोफेसर हैं, श्री रहमान मुसव्विर। ठीक है जी। सबसे पहले मैं टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की खिदमत में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का आदाब पेश करता हूँ, इजाज़त चाहते हुए कुछ मुतफरिक अशार कुछ बदलें जी। यहाँ से शुरू करता हूँ कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे,
जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, और उसे हम, ये बेटियों के नाम शेर के, उसे हम पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। शिरकत कीजिए कि उसे हम पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। एक मतला और एक शेर देखिए। मंडलोई जी बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया इस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए। कि तो यूं हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, तो यूं हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। और किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। एक मतलब और एक शेर और फिर अपनी जगह लेता हूं। कि रकाबतों में गुले राज खिल ना जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं। और ये शेर आप दोस्तों की नजर मोहब्बत के साथ विदा कीजिए। कि मेरे यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं, इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूं। वो इत्तेफाक से रस्ते में मिल ना जाए कहीं। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमान मुसव्विर साहब। मैं श्री यश मालवीय जी को आवाज दे रहा हूं कि वे आए और अपनी एक रचना का पाठ करें। श्री यश मालवीय जी। आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। उनका क्या भाषण देंगे, शब्दों के राशन देंगे, बहुत हुआ तो जनता को भरे पेट अनशन देंगे, प्यासे भूखे भारत को केवल जनगण मन देंगे, भीचो फिर खाली मुट्ठी, दर्द चबाओ राम सुभग, पीछे जाओ राम सुभग, मत खिसियाओ राम सुभग, अब देखो कितने नारे हैं उन्हें पचाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, वो सवार तुम मोटर हो, चौराहे का पोस्टर हो, वो है लाखों में तुम तो दो कौड़ी के वोटर हो, उनकी है दुनिया सारी, तुम अपना ही कोटर हो, घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, चाय बनाओ राम सुभग, थाल सजाओ राम सुभग, गाल बजाओ राम सुभग, छप्पन भोग उन्हें सारा तुम गम खाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, शोर भरे सन्नाटे हैं, तेज हवा के चाटे हैं, सूखी सूखी आंखें हैं, गीले गीले आटे हैं, मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं, वो जुलूस से लौटे हैं, पांव दबाओ राम सुभग, हाथ मिलाओ राम सुभग,
हाथ मिलाओ राम सुबह, आंख चुराओ राम सुबह, अजब समय है खुद को ही सिर्फ डराओ राम सुबह, आओ भाई राम सुबह, दरी बिछाओ राम सुबह, मंच लगाओ राम सुबह, माइक लाओ राम सुबह, भीड़ जुटाओ राम सुबह, क्या बात है, क्या भाई राम सुबह, आओ भाई राम सुबह, आओ भाई राम सुबह, आओ भाई राम सुबह, आओ भाई राम सुबह, क्या बात है, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तरफ से एक मिसरा एक पंक्ति इसमें छूट गई कि भाड़ में जाओ राम सुबह। अब कविता मुकम्मल हुई, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था, हमारे इस दौर के एक अलबेले शायर अनोखे कवि अजहर इकबाल साहब, आइए। आदरणीय सदर महोदय, मेरी खुशबख्ती के कृष्ण कल्पित साहब यहाँ मौजूद हैं, यश भैया, आलोक भाई, राजेश सर, सबसे इजाज़त चाहते हुए सिर्फ 10-12 शेर, 5 मिनट जी, दो बस थोड़ा सा खामोशी आप इख्तियार कर लें ताकि मैं शुरू कर सकूं। मेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए, कृष्ण आए थे सारथी बनकर जिंदगी का पता बताते हुए। दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। बहुत शुक्रिया। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। वाह वाह वाह, तेरा सानिध्य पाकर। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100-100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100-100 बार देखा, क्या बात, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। वाह, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, अच्छा, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए। वाह वाह वाह, पर्पल गया, अच्छा लग भी रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। और ये सारे दुख ये चिंता बस मेरे होने तलक थी, हाँ, ये सारे दुख ये चिंता बस मेरे होने तलक थी, रुकी जो सांस तो सब मसले हल हो गए। और हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं, किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी की याद, किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी के दुख में सारे मेघ शामिल हो गए। वाह वाह, शुक्रिया सर, वाह। दो चार शेर सुना के इजाजत चाहूंगा कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का,
अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। और कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। बहुत शुक्रिया। और वो किसी पत्थर की मूरत को समर्पित हो गया, वो किसी पत्थर की मूरत को समर्पित हो गया और हम इस जिस्म को गुलदान करते रह गए। बहुत शुक्रिया। और प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, याचनाएं बैठकर यजमान करते रह गए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खाक में मिल जाएंगे विध्वंसकारी एक दिन, खाक में मिल जाएंगे विध्वंसकारी एक दिन, याद रह जाएंगे जो निर्माण करते रह गए। और देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर, देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर और हम भोले बने विषपान करते रह गए। के सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रह गए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चाहतों के सिलसिले देखो कहां तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। फिर तुम्हें भी प्यार करने का हुनर आ जाएगा, फिर तुम्हें भी प्यार करने का हुनर आ जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ, हम जहां तक आ गए। दोस्तों आपकी इसी जोश के साथ, इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं एक बार फिर बल्ली सिंह चीमा साहब को बुला रहा हूं एक रचना के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे जन कवि हैं, और आइए बल्ली सिंह चीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसे कि मैं कह रहा था, एक नज़म मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक ही नज़म सुनाऊंगा आपको, उत्तराखंड की और पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में, सुंदरता के बारे में जी। कि तो शुरू करता हूँ मैं कि बर्फीला बर्फ पड़ी हुई है और उत्तराखंड का कोई शहर है या कहीं कहीं का भी, बर्फ से ढक गया है पहाड़ी नगर, चांदी चांदी हुए हैं ये पत्थर के घर, खूबसूरत नजारे बुलाते हैं मैं परेशान हूँ पहले देखूं किधर, बर्फ से ढक गया तेरे दांतों से सुंदर सफेदी लिए, रास्ते मुस्कुराए मुझे देख कर, तेरे दांतों से सुंदर सफेदी लिए रास्ते मुस्कुराए मुझे देख कर, तेरे चेहरे से सुंदर मकानों में ही, तेरे चेहरे से सुंदर मकानों में ही, काश होता सनम एक अपना भी घर, बर्फ से ढक गया चूम कर पैर पगडंडियां हंस पड़ी, तू गिरेगा नहीं देख इतना न डर, चूम कर पैर पगडंडियां हंस पड़ी, तू गिरेगा नहीं देख इतना न डर, ठंडी ठंडी
हवाएं गले से मिली, ठंडी ठंडी हवाएं गले से मिली और कहने लगी हो सुहाना सफर, बर्फ से ढक गया चीड़ के पेड़ कोहरे में उड़ते लगे हैं, टहनियां हैं जलते परिंदों के पर, चीड़ के पेड़ कोहरे में उड़ते लगे हैं, टहनियां हैं जलते परिंदों के पर, दिल है मेरा भी तेरी तरह फूल सा, दिल है मेरा भी तेरी तरह फूल सा, इस पे होने लगा मौसमों का असर, बर्फ से ढक गया। धन्यवाद, शुक्रिया। मुस्कुराते हुए ये हंसी वादियां कह रही है हमें देखिएगा इधर, मुस्कुराते हुए ये हंसी वादियां कह रही है हमें देखिएगा इधर, बर्फ की चोटियां बर्फ की सीढ़ियां, बर्फ की चोटियां बर्फ की सीढ़ियां हैं बुलाती हमें आइएगा इधर, बर्फ से ढक गया। क्या बात, और सुंदरता को बचाने की बात है। एक शेर सुनिए जी। तेरी जुल्फों सी काली नहीं रात ये है बिशी चांदनी देखता हूँ जिधर, तेरी जुल्फों सी काली नहीं रात ये है बिशी चांदनी देखता हूँ जिधर, काली नजरों से यारो बचाओ इन्हें, काली नजरों से यारो बचाओ इन्हें, इन पहाड़ों पे जन्नत है आती नजर, बर्फ से ढक गया। जिंदगी खूबसूरत पहाड़न लगे साथ तेरा हो यार हो पहाड़ी सफर, जिंदगी खूबसूरत पहाड़न लगे साथ तेरा हो यार हो पहाड़ी सफर, हम मिले अर्थ जीवन में पाए नए, हम मिले अर्थ जीवन में पाए नए, देख बंदी का चेहरा गया है निखर, बर्फ से ढक गया है पहाड़ी नगर, चांदी चांदी हुए हैं ये पत्थर के घर, खूबसूरत नजारे बुलाते हैं आप, मैं परेशान हूँ पहले देखूं। धन्यवाद, शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन प्रकृति के बीच में वास करने वाला ही कर सकता है। बल्ली सिंह चीमा को अभी आपने सुना, उनकी ये रचना यकीनन हमें याद रहेगी। हमारे बीच एक ही महिला प्रतिनिधि हैं, वो हैं, वो महिला की ताली सबसे पहले बजी उनके लिए। मैं आपकी तालियों के बीच में डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा को बिना किसी तारुफ के बिना किसी भूमिका के बुला रहा हूं। डॉक्टर नुसरत मेहंदी, सबसे पहले आदरणीय संतोष चौबे जी का बहुत शुक्रिया कि फिर विश्व रंग के खूबसूरत माहौल में उन्होंने मुझे मौका दिया। अपने आरएनटीयू के प्यारे बच्चों, या तो यूं ठहरो कि किरदार मिसाली कर दो, वरना तुम जाओ कहानी मेरी खाली कर दो। गजल का बल्कि एक कथा पहले पेश कर रही हूँ कि मैं कहाँ
अपनी किसी सोच के इजहार में थी। मैं कहां अपनी किसी सोच के इजहार में थी, मैं तो हर दौर में सौंपे हुए किरदार में थी। मैं तो हर दौर में सौंपे हुए किरदार में थी और लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को वरना, लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को वरना, मुझ में फनकार था पोशीदा, मैं फनकार में थी। मुझ में फनकार था पोशीदा, मैं फनकार में थी। बहुत शुक्रिया। और ए गज़ल के खैरियत, गैर की मानिंद हमारी मत पूछ। खैरियत गैर की मानिंद हमारी मत पूछ, ये तकल्लुफ तो हुआ जाता है भारी, मत पूछ। ये तकल्लुफ तो हुआ जाता है भारी, मत पूछ। और सिलसिले दर्द के कैसे हुए जारी, मत पूछ। सिलसिले दर्द के कैसे हुए जारी, मत पूछ। और करने दे हमें जख्म शुमारी, मत पूछ। और करने दे हमें जख्म शुमारी, मत पूछ। अर्ज करती हूँ कि तेरे होने में ना होने का गुमा है सो अभी, तेरे होने में ना होने का गुमा है सो अभी, दिल को करने दे जरा राय शुमारी, मत पूछ। दिल को करने दे जरा राय शुमारी, मत पूछ। और शेर सुनिए कि जब्त से काम लिया, जब्त से काम लिया, खुश भी रहे हंस भी दिए। जब्त से काम लिया, खुश भी रहे हंस भी दिए, उफ मगर मरहले हिजर गुजारी, मत पूछ। मगर मरहले हिजर गुजारी, क्या बात, मत पूछ। बहुत अच्छा। और खैरियत गैर की मानिंद हमारी, मत पूछ। एक सादा सी गजल, फिर उसके बाद जहमत तमाम। अर्ज किया है कि उकताहट बेजारी सी, उकताहट बेजारी सी, और उस पर लाचारी सी, और उस पर लाचारी सी। और शेर के एजेंडा तो दिल का था, एजेंडा तो दिल का था, और मीटिंग सरकारी सी। वाह 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 वाह। एजेंडा तो दिल का था और मीटिंग सरकारी सी, और जाने कैसी कुछ दिन से, जाने कैसी कुछ दिन से, रहती है तैयारी सी, रहती है तैयारी सी। और शेर के निकली है बिल से बाहर, निकली है बिल से बाहर, यादें इच्छाधारी सी, यादें इच्छाधारी। और आंगन आंगन आ बैठी, आंगन आंगन आ बैठी, खुशबुए बाजारी सी, खुशबुए बाजारी सी। और मक्ता के फिरती है तन्हा नुसरत, फिरती है तन्हा नुसरत, बेमकसद बंजारी सी, बेमकसद बंजारी सी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा। मैं कुछ शेर पेश कर दूं आपकी इजाज़त हो तो, कुछ अपनी जो बेटियां हैं उनके नाम के। वो नफ़रतों की फ़ज़ाओं में, वो नफ़रतों की फ़ज़ाओं में भी प्यार देती है, वो नफ़रतों की फ़ज़ाओं में भी प्यार देती है, बिखरते टूटते घर को संवार देती है, पिता के मन से किसी अजनबी के आंगन तक दुखों की धूप में बेटी बहार देती है। पिता के मन से किसी अजनबी के आंगन तक दुखों की धूप में बेटी बहार देती। और अब गज़ल के दो तीन शेर सुन लीजिए, बिल्कुल अलग मिजाज के। मतलब कुछ यूं कहा है कि दिमागों में खराबी आ गई है, दिमागों में खराबी आ गई है, दिमागों में खराबी आ गई है, फकीरों में नवाबी आ गई है, दिमागों में
खराबी आ गई है, फकीरों में नवाबी आ गई है। बचाना था हमें जिनसे खजाना, बचाना था हमें जिनसे खजाना, उन्हीं हाथों में चाबी आ गई। बचाना था हमें जिनसे खजाना, उन्हीं हाथों में चाबी आ गई। और ये आपके नाम ये नजर करता हूं कि उन्हीं हाथों में चाबी आ गई है। और नचाते हैं पलों को उंगलियों पर, नचाते हैं पलों को उंगलियों पर, बड़ी अपडेट लॉबी आ गई है। नचाते हैं पलों को उंगलियों पर, बड़ी अपडेट लॉबी आ गई है। और दो चार शेर और मुलाहिजा कर लें। मतला है कि किसको, ये एक सूफियाना मतला है कि किसको, मुलाहिजा करें हजरात, कि किसको घर बार की जरूरत है, किसको घर बार की जरूरत है, किसको घर बार की जरूरत है, ये तो बेकार की जरूरत है, ये तो बेकार की जरूरत है, सोच समझ के दाद देना वरना बर्बाद हो जाओगे। किसको किसको घर बार की जरूरत है, ये तो बेकार की जरूरत है, वो भी मिलता है जो नहीं मिलता, वो भी मिलता है जो नहीं मिलता, बस खरीदार की जरूरत है, बस खरीदार की जरूरत है। और जिस जगह शेर मुलाहिजा करें हजरात, जहां जहां तक है, कि जिस जगह है बहुत जरूरी पुल ब्रिज, जिस जगह है बहुत जरूरी पुल, जिस जगह है बहुत जरूरी पुल, उसको दीवार की जरूरत है, जिस जगह है बहुत जरूरी पुल, उसको दीवार की जरूरत है। और ये शेर के हाँ जरूरत नहीं मुझे उनकी, हाँ जरूरत नहीं मुझे उनकी, हाँ जरूरत नहीं मुझे उनकी, जिनको मक्कार की जरूरत है, हाँ जरूरत नहीं मुझे उनकी, जिनको मक्कार की जरूरत है। और आखिरी शेर, आपकी जहमत तमाम के, सबसे इकरार कर रहे हो तुम, सबसे सबसे इकरार कर रहे हो तुम, सबसे इकरार कर रहे हो तुम, यार इनकार की जरूरत है, यार इनकार की जरूरत है, सबसे इकरार कर रहे हो तुम, यार नवाजिश, बहुत नवाजिश, कि सबसे इकरार कर रहे हो तुम, यार इनकार की जरूरत है, किसको घर बार की जरूरत है, ये तो बेकार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। दोस्तों, मैं एक ऐसे शायर को आपके बीच दावत कलाम देने जा रहा हूं जिनका अंदाज बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने अपनी एक लंबी यात्रा शायरी की तय की है। भोपाल में मेरी तकरीबन 18 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, वो अपना एक जलता हुआ शिकारा मुझे सौंप गए थे जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद वो जलकर खाक हो गया होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसकी गर्मी से आज तक मैं फ़ायदा हासिल कर रहा हूं। उनका नाम है जनाब नौमान शौक, जो कहते हैं कि क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजिए, क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजिए, शेर कहिए इश्क पर या इश्क कीजिए। जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो किया है, सुन लीजिए, जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो किया है, सब भुला देगी ये दुनिया, इश्क कीजिए। जनाब नौमान शौक। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, खास तौर से विश्व रंग का शुक्रिया। बस मुझे ये लगता है कि ये झीलों का शहर होने के साथ साथ गज़ल का शहर भी है, विश्व रंग का शहर भी है, और ये दुष्यंत का शहर है, इसलिए इसकी गज़ल को किसी तमहीद, किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं। मैं शेर पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि फूल वो रखता गया और मैंने रोका तक नहीं, फूल वो रखता गया और मैंने रोका तक नहीं, डूब भी सकती है मेरी नाव सोचा तक नहीं, फूल वो रखता गया और मैंने रोका तक नहीं, डूब भी सकती है मेरी नाव सोचा तक नहीं। चीदा चीदा अशार कुछ अर्ज कर रहा हूं जी अर्शाद। कभी लिबास कभी बाल देखने वाले, कभी लिबास कभी बाल देखने वाले, तुझे पता ही नहीं हम संवर चुके दिल से। वाह। कभी लिबास कभी बाल देखने वाले, तुझे पता ही नहीं हम संवर चुके दिल से। कुछ न था मेरे पास खोने को, कुछ न था मेरे पास खोने को, तुम मिले हो तो डर गया हूं मैं। वाह वाह। कुछ न था मेरे पास खोने को, तुम मिले हो तो डर गया हूं मैं। हम भी माचिस की तीलियों से थे,
हम भी माचिस की तीलियों से थे, जो हुआ सिर्फ एक बार हुआ। वाह 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 वाह। हम भी माचिस की तीलियों से थे, जो हुआ सिर्फ एक बार हुआ। और अर्ज किया है कि कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। समाज फरमाइए हजरत के कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। एक दिन जिससे झगड़ते थे उसी के हो गए। एक दिन जिससे झगड़ते थे उसी के हो गए। बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर कैसे कैसे लोग थे बीमार, अच्छे हो गए। वाह 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 वाह। तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर, कैसे कैसे लोग थे बीमार, अच्छे हो गए। वाह। शेर समाज तो नहीं है, मतलब के बदन की जरूरत से मार डाला गया। जो बच रहा वो मोहब्बत से मार डाला गया। वाह। बदन की जरूरत से मार डाला गया। जो बच रहा वो मोहब्बत से मार डाला गया। मुझे बहुत फख्र है कि मैं इस जगह भोपाल में, दुष्यंत के शहर में और भगवत रावत के शहर में ये शेर सुना रहा हूं, जिसके कदरदान यहां मौजूद हैं, जिसको किसी तमहीद की जरूरत नहीं। अर्ज किया है कि न तितलियों से था खतरा, न जुगनुओं से खौफ। न तितलियों से था खतरा न जुगनुओं से खौफ। हमें तो खैर शरारत से मार डाला गया। वाह। न तितलियों से था खतरा न जुगनुओं से खौफ। हमें तो खैर शरारत से मार डाला गया। जो गर्द आने न देते थे अपने कपड़ों तक। शेर समाज फरमाइए हजरात के जो गर्द आने न देते थे अपने कपड़ों तक, उन्हें भी कैसी नफासत से मार डाला गया। जो गर्द आने न देते थे अपने कपड़ों तक, उन्हें भी कैसी नफासत से मार डाला गया। क्या बात है। कई गवाह भी कम आपको सजा के लिए। हमें तो एक शहादत से मार डाला गया। वाह। कई गवाह भी कम आपको सजा के लिए, हमें तो एक शहादत से मार डाला गया। बदन की जरूरत से मार डाला गया। जो बच रहा वो मोहब्बत से मार डाला गया। अभी मुझसे बहुत सीनियर शुआरा मौजूद हैं हुजूर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इन्हें सुनना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नौमान शौक ने अपने अशार सुनाकर यह साबित किया कि नए अंदाज से, मुनफरिद अंदाज से भी किस तरह से अशार निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल सामने की बातें हैं, लेकिन जिस अंदाज से नौमान शौक साहब ने ये शेर निकाले हैं, मुबारकबाद देता हूं उनको। दोस्तों, संतोष चौबे साहब की एक रिवायत है, एक परंपरा है कि वो पुस्तक यात्रा निकालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पुस्तकें जाती हैं। तो आज ये कवि सम्मेलन और मुशायरे की भी यात्रा हो गई। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए, माहौल हमको अच्छा मिले। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब नौमान शौक के इस मुनफरिद और खूबसूरत कलाम के बाद मैं जिस शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ, उनका ये शेर के सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या ना देखें और देखा जाए क्या, रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या। ये हैं जनाबे चंद्रभान ख्याल, जिनको अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें।
हजरात, सबसे पहले तो मैं विश्व रंग के डायरेक्टर जनाब संतोष चौबे जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस मुशायरे में पढ़ने के लिए। और चूँकि मध्य प्रदेश मेरा भी वतन है तो इसलिए और भी खुशी हो रही है कि मैं आप दोस्तों के बीच में कुछ शेर सुनाऊँ। नौजवान दोस्तों में बड़ा जोश है और बड़ा जज्बा देखने को मिल रहा है शायरी के तई, तो मुझे अपनी जवानी का एक शेर याद आ गया है जी इरशाद, तो वो मैं सुना। शुक्रिया। मतलब चंद्रभान ख्याल या उनका ख्याल? जो जी। लौटे अगरचे दिल पे कई चोट खाए हम, लौटे अगरचे दिल पे कई चोट खाए हम, लेकिन तेरा तिलिस्म वफा तोड़ आए। वाह 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 वाह। लौटे अगरचे दिल पे कई चोट खाए हम, लेकिन तेरा तिलिस्म वफा तोड़ आए हम। एक दो शेर और, ये भी नए नहीं हैं कि लड़ाई हो, आने वाले गम का अंदाजा न कर, आने वाले गम का अंदाजा न कर, इस तरह माजी को फिर ताजा न कर। वाह 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 वाह। आने वाले गम का अंदाजा न कर, इस तरह माजी को फिर ताजा न कर, और रात आई है तो वो भी आएगा। रात आई है तो वो भी आएगा, बंद अपने घर का दरवाजा न कर। वाह वाह वाह। आदाब। रात आई है तो वो भी आएगा, तो वो भी आएगा, बंद अपने घर का दरवाजा न कर। और दो तीन शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। जी जी इरशाद। जुस्तजू के पांव अब आराम सा पाने लगे। हाँ हाँ हाँ। जुस्तजू के पांव अब आराम सा पाने लगे, जुस्तजू के पांव अब आराम सा पाने लगे, अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे। वाह 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 वा। अरे क्या बात है, क्या जुस्तजू के पांव, फिर इनायत कीजिए, अब आराम सा पाने लगे। हाँ। अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे। और शेर मुलाजा हो जी कि वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब, वक्त और हालात पर, वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। वाह 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 वाह। वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। और एक शेर और देखिएगा इस गजल का, कि शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। अब तो घर में बैठकर भी लोग, शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। और एक दो तीन शेर और, मैं जी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी जी। तो दो तीन शेर, छोटी बहर के गजल है ये। एक दिले बेकरार और दुनिया, एक दिले बेकरार और दुनिया हर नफस शोला बार और दुनिया। एक दिले बेकरार और दुनिया हर नफस शोला बार और दुनिया, और जिंदगी की यही हकीकत है। मुलाहिज़ा फरमाएं, जिंदगी की यही हकीकत है आरजू इंतजार और दुनिया। वाह। जिंदगी की यही हकीकत है आरजू
इंतजार और दुनिया। और देखिएगा एक शेर और कि कैसे पाएं सुकून कल्ब नजर, कैसे पाएं सुकून कल्ब नजर, कैसे पाएं सुकून कल्ब नजर, रंजो गम बेशुमार और दुनिया। कैसे पाएं सुकून कल्ब नजर, रंजो गम बेशुमार और दुनिया। और एक शेर और आखिर में कि किस तरह वसले यार हो मुमकिन, किस तरह, किस तरह वसले यार, वसले यार हो मुमकिन, ख्वाहिशों का हिसार और दुनिया, ख्वाहिशों का हिसार और दुनिया। जनाबे चंद्रभान ख्याल अपने मुरस्सा कलाम से नवाज रहे थे, मेरे करीब जनाबे रहमान मुसव्विर बैठे हैं, ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो आवाज़ें बीच में से आ रही हैं अजीब अजीब तरह की, ये क्या भूख से खिलप रहे हैं ये लोग? तो मैंने कहा नहीं, इनके ये दाद देने का अंदाज़ है, ये इसी तरह से ये लोग दाद देते हैं, ये नई पीढ़ी है, इन्होंने अपना अंदाज़ नया निकाला है। बहरहाल आप जिस तरह से दाद दे रहे हैं देते रहिए, इससे ज़्यादा दीजिए, आप लोग, आपको अधिकार है। जनाब चंद्रभान ख्याल साहब के बाद हमारे एक वरिष्ठतम गीतकार इस मंच पर मौजूद हैं, डॉक्टर महेश्वर तिवारी जी। मैं आप सब की ओर से उनसे सादर निवेदन करने जा रहा हूं। दादा आप बैठकर पढ़ेंगे, वहीं से पढ़ेंगे, जैसा आप आइए, तशरीफ लाइए। कहते हैं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजबान छत दीवारों को घर कर देता है, खाली शब्दों में आता है अर्थ पिरोना, गीत बन गया सा लगता है घर का कोना कोना। स्वागत कीजिए डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी। जिस गीत की चर्चा की है वो बहुत वायरल हो गया है, इसलिए मैं कुछ दूसरे गीत पढ़ना चाहूँगा। मेरे पास वैसे भी छोटे छोटे गीत ही हैं जी, और उन छोटे गीतों में भी कुछ छोटे गीत हैं। क्या बात, मैं उन्हीं छोटे गीतों में से एक गीत पढ़ रहा हूं जी। दादा स्वागत है। कोहरे में सोए हैं पेड़, कोहरे में सोए हैं पेड़, पत्ता पत्ता नम है यह सबूत क्या कम है, पत्ता पत्ता नम है यह सबूत क्या कम है, कोहरे में लगता है लिपट कर टहनियों से बहुत बहुत रोए हैं पेड़, लगता है लिपट कर टहनियों से बहुत बहुत रोए हैं पेड़, कोहरे में सोए हैं पेड़। दूसरा अंतिम बन, जंगल का घर छूटा कुछ कुछ भीतर टूटा, जंगल का घर छूटा कुछ कुछ भीतर टूटा, शहरों में फुटपाथों के होकर, शहरों में फुटपाथों के होकर, सपनों में खोए हैं पेड़, शहरों में फुटपाथों के होकर, सपनों में खोए हैं पेड़, कोहरे में सोए हैं पेड़। और एक और छोटा सा ही गीत जी, चिट्ठियां भिजवा रहा है गांव अब घर लौटाओ, चिट्ठियां भिजवा रहा है गांव अब घर लौटाओ, थर थराती गंध पहले बौर की कहने लगी है, थर थराती गंध पहले बौर की कहने लगी है, याद माँ के हाथ पहले कौर की कहने लगी है, हर फराती गंध पहले बौर की
कहने लगी है याद माँ के हाथ पहले कौन की, कहने लगी है थक चुके होंगे सफर में पाओ अब घर लौट आओ, थक चुके होंगे सफर में पाओ अब घर लौट आओ, चिट्ठियां भिजवा रहा है गांव अब घर लौट आओ। दूसरा अंतिम बन कह रही है जामुनी मुस्कान फूली है निबोरी, कह रही है जामुनी मुस्कान फूली है निबोरी, कई वर्षों बाद खोली है हरे पन्ने तिजोरी, कई वर्षों बाद खोली है हरे पन्ने तिजोरी, फिर अमोले मांगते हैं दाव अब घर लौट आओ, चिट्ठियां भिजवा रहा है गांव अब घर लौट आओ। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय माहेश्वर तिवारी जी। और दोस्तों, महत्व डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी के इस रचना पाठ के बाद मैं आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम जनाब शीनकाफ निज़ाम साहब से दरख्वास्त करने जा रहा हूं। वैसे तो शीनकाफ निज़ाम साहब से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं जितना तारुफ कराऊंगा उससे ज़्यादा आप लोग उनको जानते हैं, और जो वक्त मैं तारुफ में दूँगा मैं चाहता हूँ कि वो वक्त भी जनाब सदर को मिले। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले तो मैं मंडलोई साहब का, चौबे साहब का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने दो तीन शेर सुनाऊँ, ज़्यादा वक्त अब रह नहीं गया है, लेकिन मैं उसके लिए पहले आप सब बच्चों से ये गुजारिश करना चाहूँगा। हमारा अलमिया ये है मंडलोई साहब कि हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं, हमारी त्रासदी अलमिया ट्रेजेडी ये है कि हम बच्चों को सुनना नहीं सिखाते। मैं आपने बहुत उम्दा बातें की, बहुत अच्छा सुना आपने, मैं तो आपका बहुत ही कम वक्त लूँगा इन सब से, इसलिए सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने हाथ को और अपनी ज़बान को दोनों को आराम करने दें, सिर्फ कान मेरे हवाले कर दें दो मिनट के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शेर सुने जी, मुलाजा करें जी, इरशाद मुलाजा कीजिए। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, कैफियत देखिए, मेरे नज़दीक शायरी कौल नहीं कैफियत है, कैफियत देखिए। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। अब तक नज़्म नहीं सुनाई, नज़्म का शायर भी बितल गया, गज़ल के चक्कर में आ गया चंद्रभान ख्याल साहब। अरे आप देखिए कि गज़ल है ही बड़ी हरामी चीज़, आदमी बिसल जाता है, लेकिन मैं एक नज़्म आपको ज़रूर सुनाऊंगा, और चाहे गज़ल न सुनाऊँ लेकिन मेरे पास भाई तीन मिनट तो हैं तो बहुत है, और वैसे भी आदमी के पास तो अगर एक मिनट में मिल जाए अल्लाह दे तो बहुत होता है। मलाजा कर, और ये बिल्कुल सामने का मुशाहिदा है, मैं फिर यही कहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल अपने कान थोड़े से मुझे दे दीजिए, ज़बान और हाथ दोनों को तकलीफ ना दीजिए, नज़्म सुने मलाजा करें। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने पाया मैंने, जाने कितनी जख्म लगे हैं रूह पे मेरी, जाने कितने समझौतों के दाग,
लगे हैं रूह पे मेरी जख्मों के जंगल पर, लेकिन आज अभी तक हरियाली है। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। और यहां से गुरेज देखें कि तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। अब एक गजल के तीन शेर सुन ले, बस इतना ही वक्त रह गया कि बेखबर की कहीं खबर रख दे, मतलब मुलाजा करें, बेखबर की कहीं खबर रख दे हासिले जहमते सफर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे, ये जगह जगह से विकास बनाने विनाश बने जमाने विकास, 100 बरस का पेड़ काटते हैं और 100 दिन से भी कम का पौधा लगा देते हैं। मुलाजा करें कि चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक दो शजर रख दे, राह में तो कोई एक सुस्ता दो ले, क्या शजर रख दे, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक दो शजर रख दे, और गर शजर पेड़ गर शजर में समर नहीं मुमकिन, मुलाजा करें शेर, गर शजर में समर नहीं, समर फल नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और ये शेर सुने के मंजिलें भर दे, नौजवानों के लिए शेर, मंजिलें, एक बुजुर्ग आपसे 2-4 साल उम्र बड़ा तो होगा ही होगा, तो इसलिए आपके लिए कि मंजिलें भर दे आंख में उसकी, मंजिलें भर दे आंख में, मंजिलें भर दे आंख में उसकी, उसके पैरों में फिर सफर रख दे, मंजिलें भर दे, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने, मंजिलें भर दे मंजिलें आंख में उसकी, मंजिलें भर दे उसके पैरों में फिर सफर रख दे। और ये शेर सुने खास तौर से मुलाजा करें, सुबह अखबार खोलते हैं वही जनाकारी, बैंक लूट लिया आज ये वो, बहरहाल मुलाजा करें कि कल के अगर कोई अखबार वाला है तो कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे, कल के अखबार में कोई झूठी सी, अरे रे मांग रहे हैं दुआई तो मांग रहे हैं, क्यों चीख रहे हो, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और भाईजान ये आखिरी शेर मुलाजा करें, सबकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं कि तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे, क्या क्या शेर अभी आज के इस रचना पाठ के सदर मोहतरम जनाब शीन काफ निज़ाम साहब ने हमको सुनाए। और अब सर क्या आगे इजाज़त आपकी, आप तशरीफ लाएं। शुक्रिया दोस्तों, मैं सिर्फ आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी शायरों और कवियों का बहुत आभारी हूँ,
उन्होंने इतना शानदार कविता पाठ किया, और अगर समय और मिलता तो शायद ये मुशायरा अभी एक दो घंटे और चल सकता था। लेकिन जितना भी आपने सुनाया बहुत क्लासिक और बहुत ही स्तरीय सुनाया, और विश्वरंग आपका इसके लिए आभारी है। आप बार बार आएँ और हम लोग फिर बुलाएंगे, और विश्वविद्यालय में भी पधारिए। पिछली बार अदर भाई आए थे और आलोक भी थे, तो वो तो हमारा ही कैंपस था। मैं फिलहाल विश्वरंग की ओर से आप सबका बहुत आभारी हूँ। बद्रवास्ती ने शुरू में दो आपके मुशायरे की बात की। मुझे लगता है कि ये गंगा जमनी तहजीब का जो कविता पाठ है या मुशायरा है, इसी पैटर्न पे इसको आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी इमेजिनरी, एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींच दी गई है भाषाओं के बीच में और इवन कवियों के बीच में। उस काल्पनिक रेखा को मिटा डालना है और हमको सबको मिलकर कविता पाठ करना है, और इसी तरह बच्चों को भी इसे सुनना है। मैं सबसे ज़्यादा बच्चों का आभारी हूँ कि आपने जिस अनुशासन के साथ इतने लंबे समय तक अपना समय दिया, धीरे धीरे सलीका बनता चला जाता है, और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ बैठे हैं। और सारे बच्चों के लिए एक बार तालियां बजाई जाएं। अब बजाइए ज़ोर से। और मैं विश्वरंग के लिए, जहाँ होता है मिंटो हॉल, इसके मैनेजमेंट का बहुत आभारी हूँ, स्टाफ का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये काम किया। मैं सारे अतिथियों को का भी आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आपको हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे जितना भी माहौल भोपाल का है और जो आपसी समझदारी का है, वो सब आपने दिखाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया दोस्तों।